ये कब की बात है? 3 महीने पहले सीवियर हार्ट अटैक आया था. सब कुछ इतना अचानक हो गया कि हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सके. आप चाय लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी. नकुल अपने पापा को बहुत प्यारा होगा ना? नहीं, वो मेरे बहुत करीब है. अपनी सारी बातें वो मुझे बताता है. उसके पापा के पास इतना टाइम कहाँ था कि उसके साथ बैठ के 4 बातें करें. कोई बिजनेस करते थे वो? शराब पीते थे 24 घंटे. होश में हो तभी तो बात कर पाते. शराब की वजह से तो उन्हें नौकरी से निकाला गया था. 4 साल से सिर्फ दारू ही पीते थे और अपना सारा गुस्सा मुझ पर और नकुल पर निकालते थे. शायद ऐसा कोई दिन गया होगा कि उन्होंने हम पर हाथ न उठाया हो. अभी तक मारते थे वो नकुल? बहुत. एक दिन उसके कॉलेज के दोस्त आए थे उसे घर छोड़ने. सायरा भी थी उनके साथ. उनके सामने भी उन्होंने इतना मारा उसे. क्यों? क्योंकि उन्हें बिना बताए फिल्म देखने गया था. बहुत मारा, बहुत पीटा. उस मार से भी नकुल ना कभी रोया ना कभी पलट कर जवाब दिया. पहले उसके पापा उसे मारते थे और पुलिस वाले. मेरा बेटा एक दिन ऐसे घुट घुट के मर जाएगा. कमला जी, कमला जी, कभी मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए. मैंने अपनी मां को कभी नहीं देखा. मेरे पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया. नकुल मेरे छोटे भाई की तरह है. आप जल्द ही उसे घर में पाओगे, मेरा विश्वास कीजिए. मैं कल ही नकुल से मिलने जा रहा हूं. आई लव माई मम्मी. मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल है पर दुनिया की सबसे प्यारी माँ है. वो तो है, बहुत चाहती है वो तुम्हें. मैं भी. मैं हर तरह का दुख बर्दाश्त कर सकता हूं पर मेरी वजह से मम्मी को परेशान देखता हो तो बहुत तकलीफ होती है. एनीवे, कल की रात कैसी रही? बहुत शांति. इन लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं किया. बिल्कुल नहीं सताया, हाथ तक नहीं लगाया. पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो आप जैसे ही होता. मेरी एक दोस्त है, मैं भी उस दिन उसे ये कह रहा था कि अगर मेरा कोई छोटा भाई होता तो मैं चाहता कि वो नकुल की तरह हो. आपकी दोस्त? सिर्फ दोस्त? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. तो कैसी बात है? एक अच्छी दोस्त है वो. कितनी अच्छी? दोस्ती के आगे बात ही नहीं गई. नताशा उसका नाम. आई थिंक वी क्रॉस द स्टेज ऑफ फॉलिंग इन लव. एक्चुअली मैं सायरा को स्कूल डे से जानता था. वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी और मैं बॉय स्कूल में. मुझे तब इतना ही मालूम था कि वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है. 3 महीने तक उसका पीछा किया, तब जाके कहा मैंने उससे बात की थी. दोस्ती बढ़ती गई
और हम लोग कॉलेज में पहुंचे तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि वी इन लव. सब दोस्त हमें रोमियो जूलियट कहते थे. अच्छा नकुल, ये बताओ कि सायरा और तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ था? रोज होता था, पर एक घंटे से ज्यादा नहीं टिकता था. हम लोग झट से पैचअप कर लेते थे. उस दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ था. कॉलेज आज के बाद हम लोग बैंड स्टैंड गए थे क्योंकि सायरा का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था. क्यों? वो चाहती थी कि मैं उसके साथ ट्यूशन लूं, पर मुझे लगता था दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. पर सायरा का ये कहना था कि अगर मैं उसके साथ ट्यूशन लूं तो मैं उसके साथ ज्यादा समय बिता पाऊंगा. बहस बढ़ती गई बढ़ती गई, और अचानक से किसी ने मेरे सर के ऊपर वार किया. ऐसा लगा कि किसी ने जोर से मेरे सर पे हथौड़ा मारा. मेरे समझ में कुछ नहीं आया. मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था. हाँ, वो सायरा चिल्ला रही थी, उसे कोई मुझसे दूर खींच रहा था. उसके उसके नाखून मेरे बाहों को खींचे हुए चले जा रहे थे. मैं मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था. और उसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है. हाँ, मैं होश में आया तो सायरा वहां पर नहीं थी, मैं अकेला वहां पर था. मैं घबराया, मैं वहां से भागा और मैंने वहां से फोन किया सायरा के घर पे, ये पूछने के लिए वो घर पे पहुंची कि नहीं. पर वो घर पे नहीं पहुंची थी. मैं डर के मारे अपने घर पे गया और वहां से ना कर बाहर निकला तो पुलिस वो मुझे खींचे हुए यहां पर लेके आए और मुझ पर रेप और मर्डर का सब मैं बेकसूर हूं. आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. देखो नकुल, आई होप तुमने जो कुछ भी कहा सच कहा. ट्रस्ट मी सर. आई ट्रस्ट यू नकुल. देखो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो ताकि मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकूं. तुम्हारी मां तुम्हारे पापा के बारे में बता रही थी कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे सर, मुझसे भी ज्यादा. नकुल मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारे पापा के बारे में सच जान चुका हूं. यस, ही वाज द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड. नकुल मैं तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं सुनना चाहता. मैं सच कह रहा हूं सर, मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड. मेरे कॉलेज के फ्रेंड जब अभी घर पे आते थे तो मुझे भूलकर मेरे पापा से घंटों बातें करते थे. नकुल स्टॉप इट नाउ. नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं. आई सेड स्टॉप इट नाउ. क्या तुम्हारे पापा घर शराब पीकर नहीं आते थे? क्या वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी को मारते नहीं थे? आई सेड स्टॉप इट. नहीं सर, आप ही क्या कह रहे, मेरे पापा ऐसा नहीं करते थे सर. मैंने अब तक तुम पर विश्वास किया था लेकिन अब मुझे तुम पर शक होने लगा है. देखो नकुल, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे पापा के बारे में सच जान चुका हूं, फिर भी तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो मुझसे. जो जी जान से तुम्हें यहां से बचाने की कोशिश कर रहा है. देखो नकुल, आई नो द ट्रूथ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं. सो टेल मी, बताओ. आई सेड बताओ.